News 18, India. जयपुर में हिजाब का मुद्दा लगातार गहरा बता रहा है। हम गंगापुर स्कूल के बारे में, गंगापुर स्कूल वही स्कूल है जहाँ इस बात को लेकर विवाद है कि वहाँ जो लड़कियाँ हिजाब पहनती, आरोप लगाता है कि हवा मेल से विधायक है हमाल आचार्य कहा कि हिजाब पहनने से रोके। दूसरी तरफ जो यहाँ पर छात्राएं हैं, आप देखते हैं बड़ी संख्या में छात्राएं और ये वो लड़कियां हैं क्योंकि मुस्लिम लड़कियों ने एक दिन पहले प्रदर्शन किया था, आज हिंदू लड़कियां ये और इन्होंने ये अल्टीमेटम दिया कि ये हुआ पहले की। क्या नाम है आपका? क्या वहाँ पर लड़कियाँ हिजाब पहनते उससे क्या आपत्ति आपको? तो आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत ये है हम ड्रेस पहन के जाते हैं, वो मुर्गा पहन के आती है वो अलग लगती है हमसे, तो क्या मतलब है ड्रेस बनवाने का? जैसे हम भी बगवा पहन के जाएंगे कल से, अगर वो हिजाब पहन सकते तो हम बगवा क्यों नहीं पहन सकते? अब स्कूल यूनिफॉर्म बनाई है तो फिर कोई पहने ना, स्कूल यूनिफॉर्म बनाई है सरकार द्वारा लागू कराई गई है तो वो पहन के आए ना, क्या जरूरत है बगवा पहन के? फेमस हो जाएगा कैमरे में, मतलब पहनने के बाद बगवा पहन के जाएंगे, फेमस हो जाएगा ये गवर्नमेंट बगवा पहन के जाएंगे, पहला जब कल हमने शासन को एप्लीकेशन दिया था कि कल हमारे स्कूल में दो पुलिस वाले होने चाहिए तो आज पुलिस वाले क्यों नहीं थे? हम स्कूल गए थे सब भी नहीं थे, आज उठ गए थे सब भी नहीं थे। तो क्या हुआ आपके साथ? हम जब हम स्कूल के अंदर गए थे तो हमें स्कूल क्लास में बैठा दिया, न स्कूल से वॉशरूम जाने के लिए मना कर दिया, लंच करने के लिए मना कर दिया गया हमें। झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ था आज टाइम पे स्कूल से आज टाइम पे, क्योंकि कोई मीडिया वालों ने पूछा था पापा के बारे में, हमने बताया तो उन लड़कियों ने मेरे पर हमला किया था। आप पर हाँ 20 लड़की आई थी कम से कम, उन्होंने हमला किया था मेरे ऊपर, ये भी थी सामने मीडिया सारी दे रही थी, मीडिया ने रिकॉर्ड किया है। अब दूसरा वहाँ पर मंदिर को लेकर क्या बात है? क्या सरस्वती मंदिर वहाँ पे माता की मूर्ति ऑफिस में रखी गई है, जब कोई फंक्शन होता है तब उनको बाहर निकालते हैं और उनको पन्नी में लपेट के रखते थे, पता नहीं कहाँ रखती है मैडम जी, नहीं पता कहाँ रखती है, पन्नी में लपेट के रखते थे उसको। हाँ है ना, स्कूल के अंदर कुछ सामने मजा सामने और आज ना मतलब वो तो टीवी पे देख रहा है, काम करते हैं हरी चादर वगैरह जो होती है वो करते हैं अगर करते हैं उस पे, और ना सारी लड़कियां वो पढ़ते हैं अंदर कुछ वो पढ़ लेती है, हमने कभी नमाज पढ़ते हैं हां नमाज पढ़ लेती है टीचर्स का, तो टीचर्स भी पढ़ती हैं ऐसे तो काफी पढ़ती है, और आज तक हमने कभी आवाज ही नहीं उठाई, इसलिए वो लोगों का फायदा उठाती है, और आज हमने आवाज उठाई तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। शुक्रवार में स्कूल में और आज तो उन्होंने स्कूल में हमला किया, कल को बाहर हमला करेगी होती है। तो कौन पढ़ते हैं? टीचर पढ़ते हैं, टीचर भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं नमाज स्कूल के अंदर। हां मजार भी बनी हुई है, मजार बनी हुई है स्कूल में, कैमरे कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरे को तोड़ दिया है किसी को ये सच्चाई पता ना लगे, सीसीटीवी कैमरे वो तोड़ दिए, हां वो बहुत पहले टूट चुके ताकि किसी को उनकी सच्चाई ना पता लगे, वो ये सीएसआई सारे बाहर नहीं जाएगी बाहर, और आज तो हमारे स्कूल के अंदर हमला हुआ है, कल को वो बाहर हमला करेगी हमारे ऊपर। आपका क्या नाम है? आपका छात्राएं हैं, इनका कहना है कि अगर स्कूल के अंदर अगर हिजाब पहन कर आने की इजाज़त लड़की होगी तो बरुआ पहन कर।